My dear students, most welcome all of you at my channel. हम और आप दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में जो था इसमें हमने आपको बताया था कि मेल पार्ट स्टेमेन का काम करता है या पुंकेसर नर जननांग का काम करता है, और स्त्री केसर या गाइनिशियम मादा जननांग का काम करता है। हमने आपको नर जननांग पुंकेसर के बारे में डिटेल स्टडी बता दी थी, और पुंकेसरों में परागकणों के निर्मित होने की क्रिया को ही पुंब बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसको भी बता दिया था। और स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस की पूरी डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया था। तो आज हम आपको मादा जननांग, गाइनिशियम और इसमें जो अंडाशय के अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर ओव्यूल की स्टडी करते हैं। बच्चों, हमने आपको ये बताया था कि ये फ्लावर का हिस्सा होता है, आपको याद भी होगा। ये थैलमस या पुष्पासन, ये ओवरी या अंडाशय, और ये स्टिग्मा, स्टिग्मा और ये स्टाइल। ठीक, कितने हिस्से थे? और इसके बाहर की ओर वाह्य दलपुंज, कैलेक्स, उसके बाद रंगीन पंखुड़ियां करोला के रूप में थी, धागेनुमा रचनाओं के रूप में एंड्रूशियम या पुमंग था, और बीचों बीच में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, और इस बीचों बीच वाले भाग को ही हम गाइनिशियम या जननांग के नाम से जानते हैं। यही हमारा मेल फीमेल पार्ट है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिडिल पार्ट में पाई जाने वाली रचना है, मध्य भाग में पाई जाने वाली रचना है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट। क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट, जिसमें एक लंबी रचना में ऊपर एक चपटी रचना होती है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक फ्लैट डिस्क लाइक स्टिग्मा, एंड एट द बॉटम ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ए सॉलिड होलो स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज ओवरी। नीचे की ओर ओवरी या अंडाशय, और सबसे ऊपर की ओर स्टिग्मा, बीच में लंबी स्टाइल या वर्तिका। अगर हम हिंदी शब्दों की बात करें तो इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसे बोलते हैं अंडाशय। अब अंडाशय में इस स्थान पर इस फूली हुई रचना में एक ओव्यूल होता है या बीजांड होता है, और यही मेन पार्ट है जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होती है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ले आकर के हम इसकी बाहर स्टडी करें तो हम पाएंगे ये स्ट्रक्चर। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसके मध्य भाग में यहां पर वैस्कुलर स्ट्रैंड
इसको हम यूं कर लें और ये पूरा का पूरा ये हिस्सा पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, पूरी की पूरी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। हम बना दे रहे हैं, आप भी समझे और फिर बनाएंगे आप। पूरा का पूरा भरा हुआ होता है और एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, नीचे से ऊपर तक उसको ले आए। नीचे हम एक्सप्लेन कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसके मिडिल पोर्शन में एक थैलिनवा रचना होती है इस तरह से, थैलिनवा रचना है। इसके चारों ओर पूरा का पूरा पैरेन्काइमा कोशिकाएं ही होती हैं। और मिडिल में ने देखा कि जो थैलीनुमा रचना है इसमें अपर साइड में तीन सेल और लोअर साइड में भी तीन सेल और बीच में दो सेल होती हैं और ये दोनों कभी कभी एक साथ मिली हुई अवस्था में भी दिखाई देंगी। हम आपको दोनों एक साथ मिलाकर ही दिखा देते हैं। ये बन गया, ये वाली वैस्कुलर स्ट्रैंड गया है। अभी लेबलिंग हम करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा और लेबलिंग होने के बाद समझा भी देंगे आपको। देखिए, ये इम्ब्रियो सेक है या भ्रूण कोश और ये हिस्सा, इसको आप नहीं माइक्रोपाइल लेवल हम कर दे रहे हैं फिर समझाएं। माइक्रोपाइल ये फ्यूनिकल और ये जहां पर ये जुटा है इसे हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम ये जो लाइनिंग दिख रही है इन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं कैलेजा। कैलेजा और जो निचला हिस्सा है माइक्रोपाइल है ही, कोई दिक्कत नहीं। ये बीचों बीच में जो है इसे हम बोलते हैं इम्ब्रियो सेक। इम्ब्रियो सेक और इसमें जो सेल दिख रही हैं इस सेल में ये वाली सेल जो दिख रही है आपको, ये वाली
देखिए आपको ये तीनों सेल एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल नीचे वाली ये दोनों सेल सिनर्काइड सेल है। सिनर्काइड्स और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी और जो मिडिल में एक सिंगल सेल बची है यही मेन सेल, इसे हम बोलते हैं एग सेल, एग सेल। ये हमारा स्ट्रक्चर बना, इसके बारे में आप समझ लीजिए ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जो ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क जैसा बना हुआ है और ये क्वेश्चन मार्क जैसा स्ट्रक्चर ओव्यूल है। और इसका अगर हम लेबलिंग करना चाहें या नाम देना चाहें तो इसे हम कह देंगे PS नहीं बल्कि LS, खड़ी काट है तो LS ऑफ ओव्यूल क्या है, बीजांड की लंब काट या LS ऑफ ओव्यूल। इसके बारे में आप समझ रहे कि अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है, क्वेश्चन मार्क जैसा रचना वाला है, इसे हम बीजांड बोलते हैं। और ये बीजांड अंडाशय से जिस वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिस डंठल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम फ्यूनिकल या बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। यह बीजांड वृंत बीजांड को जिस स्थान पर पकड़े रहता है उस स्थान को हम हाइलम के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा बीजांड अधिकांशतः पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है और इस पैरेन्काइमा कोशिकाओं को हम न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हमने न्यूसेलस या बीजांडकाय, न्यूसेलस या बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। यह बीजांडकाय एक अथवा दो आवरणों से घिरा होता है, आप देख रहे होंगे ये लाइनिंग जैसी आवरण, ये आवरण टेग्यूमेंट अथवा इंटेग्यूमेंट के नाम से जाने जाते हैं, या तो इनको टेग्यूमेंट कहीं कहीं किसी किसी किताब में टेग्यूमेंट मिलेगा और कहीं कहीं किसी किसी किताब में इंटेग्यूमेंट मिलेगा। इंटेग्यूमेंट के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें हम हिंदी में अध्यावरण के भी नाम से जानते हैं। ये टेग्यूमेंट जहां से उत्पन्न होते हैं ऊपर वाले भाग से, उस स्थान को हम कैलेजा या हिंदी में निभाग के नाम से जानते हैं, तथा नीचे की ओर ये टेग्यूमेंट आपस में जुड़े नहीं होते हैं, जिससे इनके मध्य में एक छिद्र रूपी रचना बन जाती है या छेद के समान रचना बन जाती है। इस छेद को या इस क्षेत्र को हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। बीजांड के मध्य में एक कोशमा रचना होती है, एक बैग जैसी रचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक कहते हैं। एम्ब्रियो सेक में ऊपर की ओर तीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखीय कोशिकाएं कहते हैं, जबकि नीचे की ओर की भी तीन कोशिकाएं होती हैं जिनमें मध्य की कोशिका एग सेल या अंग कोशिका कहलाती है, जबकि अगल बगल वाली कोशिकाओं को सिनर्काइड्स के नाम से जानते हैं। बीजांड के भ्रूण कोश के मध्य में एक अन्य गोल रचना होती है जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक नाभिक के नाम से जानते हैं। यह सेकेंडरी न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर देख लिया, ये जायांग के अंडाशय वाले भाग में एक क्वेश्चन मार्क जैसी रचना होती है, इस क्वेश्चन मार्क को ही हम बीजांड के नाम से जानते हैं। अगर बीजांड के खड़ी काट की स्टडी हम करें तो हम देखेंगे कि बीजांड अपने बीजांडासन से एक पतले वृंत के द्वारा जुड़ा होता है, इस वृंत को हम फ्यूनिकल या
बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं, तथा यह बीजांड वृंत बीजांड को जिस स्थान से जोड़े रखने का काम करता है उसे हम हाइलम के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा बीजांड अधिकांशतः पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। इस पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बने हुए भाग को हम बीजांड काय या न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। न्यूसेलस चारों ओर से दो तीन परतों के द्वारा घिरा होता है। इन परतों को हम इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण के नाम से जानते हैं। यह अध्यावरण ऊपर की ओर जिस स्थान से निकलते हैं उस स्थान को हम कैलेजा यानी भाग के नाम से जानते हैं, पर नीचे की ओर ये इंटेग्यूमेंट आपस में जुड़े नहीं होते हैं, जिससे इनके मध्य में एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। बीजांड के मध्य भाग में एक कोष्ठमा रचना होती है, इसे हम भ्रूण कोष या एम्ब्रियोसेक कहते हैं। इस एम्ब्रियोसेक के ऊपरी भाग में तीन कोशिकाएं होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखीय कोशिकाएं कहते हैं, जबकि बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर तीन कोशिकाएं होती हैं, जिसे मध्य की कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और अगल बगल की कोशिकाएं सिनेनकाइट्स के नाम से जानती है। अंड कोशिका वास्तविक निषेचन में भाग लेती है, जबकि बीजांड के अंदर की ओर भ्रूण कोश के मध्य में एक अन्य केंद्रक होता है जो ऑलरेडी द्विगुणित या 2N होता है। यह द्विगुणित केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक नाभिक कहलाता है, जो द्वितीयक निषेचन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस चीज का ये भ्रूण कोश कैसे निर्मित होता है इसकी स्टडी हम अगले दिन करेंगे, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में जाने जाते हैं, और इस पूरे निर्माण की प्रक्रिया को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। आपको लेक्चर समझ में आया होगा, स्टडी करें, नोट्स हमारा आपके पास पहुंचेगा, उससे और अध्ययन करके आप देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। खेल खेल में पूरा का पूरा चैप्टर आप अच्छी प्रकार समझ जाएंगे, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारी मेहनत को देखते हुए आपको चाहिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी हम आपको और अच्छे वीडियो दे पाएंगे। थैंक यू।